कि भारतीय जनता पार्टी के मेरठ हापुर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी का समर्थन करें। एनजीओ के भी लोग हैं, हमारे दूसरे साथी भी हैं। आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी को दो बार पहले भी आप जिता चुके हैं। यह हम लोग इस मंच से अपील करना चाहते हैं कि फिर तीसरी बार आप उन्हें जिताकर भेजें और पहले से ज्यादा मतों से जिताकर भेजें। क्यों ज्यादा से मतों से जिताकर भेजें और क्यों जिताए पक्का, उसके लिए हमें ये कहना है कि आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे देश के कोने कोने से अगर आवाज आ रही है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो एक ही नाम सामने आता है, मोदी मोदी मोदी। जब हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा बनाना है तो हमें राजेंद्र अग्रवाल जी को जिताकर भेजना ही पड़ेगा। जब हम उन्हें जिताकर भेजेंगे तभी हमारी लोकसभा में इतनी संख्या होगी कि हमें सरकार बना सके और तभी माने नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, माने नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में वो इलेक्शन लड़े तो केवल उनका नाम था। और एक और बात थी कि यूपीए की सरकार में जितने घोटाले हो रहे थे, 2G घोटाला, 4G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जनता कराह रही थी और देख रही थी टकटकी लगाकर कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस देश को घोटालों से निजात दिलाए, जो इस देश को अपराधों से छुटकारा दिलाए। और माननीय मोदी जी का नाम आया, जनता ने प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये सब आपके सामने है, आप सब जानते हैं। साथियों, तब केवल नाम था माननीय मोदी जी का, आज तो माननीय मोदी जी का काम भी आपके सामने है। जो उन्होंने पिछले 5 सालों में पूरे देश में कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले 5 सालों से चल रही थी, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी तो उसमें बहुत काम नहीं हो पाया। योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केवल 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में, ग्रामीण योजना में 10 लाख से अधिक आवास बिना आवास वाले लोगों को दिए गए। साथियों, किसी गरीब को जब आवास मिलता है केवल वही जान सकता है कि उसका क्या महत्व है। आवास का महत्व केवल वो जानते हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, केवल वो जानते हैं जो रेल की पटरियों पर सोते हैं, केवल वो जानते हैं जो झुकी झुकी और झोपड़ियों में सोते हैं, जिनका सपना होता है कि वो कभी अपने घर की छत के नीचे सोएं। माननीय मोदी जी ने गरीब के उस सपने को साकार किया है इतने सारे आवास बनाकर, और वो आज माननीय मोदी जी की भूरी भूरी सराहना कर रहा है। इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन चलाया माननीय मोदी जी ने। साथियों, गाँवों में शौचालय नहीं थे, हमारी बहनें जब गाँवों में उन्हें शौच के लिए जाना होता था, जंगल में जाती थी, वो दिन के उजाले में जाने में सुख जाती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, और जब रात के अंधेरे में भी वो जाती थी तो कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता था। माननीय मोदी जी ने इन शौचालयों का निर्माण करा के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को खुले में शौच से मुक्त करा के उन महिलाओं का, उन हमारी बहनों का सम्मान किया है जिनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता था, उनको दुर्व्यवहार से बचाया है। कितनी ही हमारी बहनों की अस्मिता को तार तार होने से बचाया है, ये माननीय मोदी जी का काम है। माननीय मोदी जी ने जब धुएं में लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं हमारी बहनें, हमारी माँ बनाती थी, हमारी चाची, हमारी ताई बनाती थी, उनकी आँखों में आँखें खराब हो जाती थी धुएं से, क्योंकि गैस का कनेक्शन उनके पास नहीं था। साथियों, इस बात को विचार करिए कि जब से आजाद हुआ हमारा देश, केवल 13 करोड़ LPG कनेक्शन इस देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, और केवल इन 55 महीनों में पूरे देश में 13 करोड़ LPG कनेक्शन और आ गए, जिसमें 7 करोड़ निःशुल्क बांटे गए। दूर दूर के गांवों में जहां LPG कनेक्शन पहुंचाना बहुत मुश्किल था, एक बड़ी चुनौती थी कि सबको कैसे LPG कनेक्शन दिया जाए,
लेकिन माननीय मोदी जी ने उस चुनौती को माना, एक्सेप्ट किया और इसको करके दिखाया कि सुदूर गांवों तक भी एलपीजी कनेक्शन पहुंचाए और धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों, एक गरीब व्यक्ति को जब वो इलाज के लिए जाता है, मान लीजिए सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट इतना तगड़ा हो गया कि सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पा रहा, या कैंसर की बीमारी हो गई, या लिवर ट्रांसप्लांट होना है, या किडनी ट्रांसप्लांट होना है, सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाता। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाता था वो मरीज, लेकिन डॉक्टर लोग मानवता को ताप करके के उसका इलाज नहीं शुरू करते थे जब तक कि उसको पैसे ना जमा हो जाए। माननीय मोदी जी ने गरीब की उस पीड़ा को समझा और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख का बीमा हर गरीब का करा दिया। देश के 10 करोड़ परिवारों का ये बीमा कराया गया है, बहुत बड़ी संख्या है। माननीय मोदी जी की कितने ही ऐसे व्यक्ति हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमें हमारा इलाज नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान थे, लेकिन माननीय मोदी जी का जो गोल्डन कार्ड मिला उससे हम अस्पताल में गए और हमारे बच्चे का इलाज हो गया, हमारे बच्चे की टांग ठीक हो गई और आज हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सच्चा दुआएं हैं जो गरीब व्यक्ति के मुंह से मोदी जी के लिए निकल रही है। इसी तरीके से जब से आज़ादी मिली साथियों, देश में बिजली नहीं मिली, 2.5 लाख परिवारों को बिजली का, हमारे केवल उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख परिवारों के पास बिजली नहीं थी, अंधेरे में डूबे हुए थे। जब से आज़ादी मिली थी तब से अब तक माननीय मोदी जी ने सब परिवारों को बिजली दी, कोई जगह नहीं, कोई गांव नहीं बचा, कोई मजरा नहीं बचा जहां बिजली ना हो, और एलईडी बल्ब वितरित किए गए। आज सारे गांव रोशन हैं। सोचिए उन परिवारों के बारे में जहां हमेशा अंधकार छाया रहता था, उन्हें अंधेरे में जीने की आदत पड़ गई थी, उनके लिए रात में बिजली होना अब तो एक तरीके से उनकी हर दिन दिवाली है। साथियों, सड़कों का और पुलों का जाल बिछा दिया। आप याद करिए, अगर 2.5 घंटे, अगर 2-2.5 साल पहले हम सोचते थे कि मेरठ से दिल्ली जाएं, तो कम से कम 2.5 घंटा हमें इंडिया गेट पर पहुंचने में लगता था। साथियों, जो सड़कें बना दी, जो मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया और उसको एलिवेटेड रोड से जोड़ दिया, जो एलिवेटेड रोड हमारी राजनगर एक्सटेंशन से ऊपर जाती है उससे जोड़ दिया, अब हम जब भी दिल्ली जाते हैं हमें मुश्किल से 1.25 घंटा वहां जाने में लगता है। इस तरीके से उन्होंने यातायात की सुविधाएं पैदा करी, उन्होंने इतनी कनेक्टिविटी बढ़ाई। साथियों, याद करिए, अभी पिछले ही दिनों मेरठ दिल्ली रैपिड रेल का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने गाजियाबाद से किया था, आप सब उसके साक्षी हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। पूरा सड़कों का जाल बिछ गया, हापुड़ से लेकर सोनीपत तक, मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक और मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक, हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक, सब जगह नई नई सड़कें एक्सप्रेस वे बन गए जिससे कि लोगों को बहुत आगे जाने की सुविधा हो गई। और उस सुविधा की वजह से वो जब चलते हैं, मुझे याद है जब मैं लखनऊ जाती हूँ, पहले मैं अगर गाड़ी से कभी लखनऊ जाती थी तो 9 घंटे लगते थे, 9.5 घंटे लगते थे, अब मैं गाड़ी से अगर लखनऊ जाती हूँ तो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए और चढ़ कर यमुना एक्सप्रेस वे पर चले गए और आगरा एक्सप्रेस वे से जब लखनऊ पहुंचते हैं 6-6.5 घंटे में आप गाड़ी से लखनऊ पहुंच जाते हैं। मैं जानती हूँ जब हम वहाँ जा रहे होते हैं तो मेरे साथ जो ड्राइवर जो गनर वो होते हैं कि भला हो, वो कहते हैं कि भला हो माननीय मोदी जी का जो उन्होंने ऐसी सुविधा कर दी कि अब जो रास्ता 9-9.5 घंटे का था वो 6-6.5 घंटे में खत्म हो जाता है और हम लखनऊ पहुँच जाते हैं। साथियों, ये केवल मोदी जी की सोच है, यही नहीं, यहाँ किसान भाई हमारे नहीं है, लेकिन मैं बहुत कहूँगी हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा एक उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है किसान सम्मान निधि के नाम से, कि हर के लघु और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 एक साल में चले जाएंगे।
जिसकी पहली किस्त 2000 वो जा भी चुकी है। एक और बात, राजीव गांधी जी जब अपने टाइम में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि हमारे सेंटर से चलते हैं 10 रुपए तो जनता तक पहुंचता है 1 रुपया। इस बात को भी समझा माननीय मोदी जी ने। और इस समय हमारी इस सरकार ने सारा जो सब्सिडी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे योजनाओं का लाभ हो, सब डायरेक्ट खाते में जाता है आदमी के, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। कोई बिचौलिए नहीं, कोई बीच में नहीं खाता। जैसे 9 पैसे बीच में खा लेता था, माननीय मोदी जी ने खत्म कर दिया कि कोई बीच में 9 पैसे 10 में से 9 पैसे। साथियों, बहुत दिनों से एक मांग लंबित थी। सब लोग कहते थे जातियों में आरक्षण है, दूसरी जातियों के कई लोग बहुत अमीर भी हो गए फिर भी वो आरक्षण का लाभ उठाते हैं। लेकिन सवर्णों को बड़ी एक पीड़ा रहती थी कि गरीब अमीर आदमी तो डोनेशन से एडमिशन करा लेगा, बच्चे का इंजीनियरिंग में करा लेगा, मेडिकल में करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी का मेधावी बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। माननीय मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण माननीय मोदी जी ने सवर्णों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दिनों से लंबित थी। माननीय मोदी जी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इसी तरीके से मिडिल क्लास की इनकम टैक्स के लिए बहुत दिनों से एक लंबित मांग थी। बहुत दिनों से मांग रहे थे लोग कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाया जाए। गरीब आदमी को अगर 2.5 लाख के बाद इनकम टैक्स देना पड़ता है तो बचता ही क्या है। तो उसकी इस मांग को भी मानते हुए माननीय मोदी जी ने जो 5 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री किया, उसमें छूट करी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसकी हम बहुत बहुत भूरी भूरी सराहना करते हैं। साथियों, जो गैर संगठित मजदूर हैं, ठेले वाला है, रेड़ी वाला है, घरों में काम करते हैं, ड्राइवर हैं, स्कूलों में काम करते हैं, चपरासी हैं, स्वीपर हैं, इनका कोई नहीं सोचता था। जब तक हाथ चलते हैं तब तक तनख्वाह मिली, उसके बाद बेचारे आश्रित हो गए, रोटी मिले या न मिले। माननीय मोदी जी ने इन गैर संगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो बहुत बड़ी एक अपने आप में योजना है। इसे हर गरीब, हर छोटा संगठित मजदूर, खेतिया है, हर आदमी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। साथियों, न सिर्फ ये कल्याणकारी योजना है, माननीय मोदी जी ने हमारे भारत को विश्व पटल पर भी नाम दिलाया है। विश्व पटल पर साफ दिल बढ़ाइए। पहले हमारे प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते थे, विदेशों में जाते थे, तो कभी भी अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के जो श्रेष्ठ लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कभी उन्हें रिसीव करने नहीं आते थे। लेकिन माननीय मोदी जी गए तो अमेरिका ने पलक पांवड़े बिछा दिए, रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, उसमें माननीय मोदी जी ने दीप प्रज्वलन करके उस कार्यक्रम को संबोधित किया। बहुत बड़ी बात है, विश्व पटल पर ये सम्मान दिलवाना जो पहले नहीं मिला भारत में, वो आज हमारे लिए। अभी हमारे ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे 44 जवान शहीद हो गए। देश के कोने कोने से आवाज आ रही थी कि बदला लो, लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जब पहले ऐसी घटना हुई वो मौन रहते थे। माननीय मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका बदला लेंगे पाकिस्तान से। और जो उन्होंने कहा उसे करके दिखाया, 44 का बदला 300 से लिया, उनके घर में घुस के मारा, पीओके में घुस कर मारा। साथियों, जो आपके सामने दूसरे लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो महागठबंधन कहते हैं उसके लोग हैं, वो सबूत मांगते हैं। वो कहते हैं क्या सबूत है कि आपने 300 को मारा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मारा, और हमारे लोग सबूत मांगते हैं। आपके सामने जो लोग हैं, घोटाले वाले लोग हैं, उनको ये बात पच नहीं रही कि माननीय मोदी जी ने
आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी के बेटे ईशान भाई आए हैं, उनका स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारा एक विमान पीओके में गिर गया, वर्धमान अभिनंदन, उनकी गिरफ्त में आ गए, पाकिस्तान की मांग उठी कि उनको रिहा करें। साथियों, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि बिना शर्त के पाकिस्तान हमारे किसी व्यक्ति को रिहा करे, लेकिन इस बार माननीय मोदी जी ने विश्व स्तर पर इतना दबाव बना दिया कि इमरान खान को बिना शर्त के हमारे अभिनंदन जी को छोड़ना पड़ा और वो लौट के वापस आए। आप लोगों ने सबने टीवी देखा होगा, सुबह से शाम तक बॉर्डर पर हमारे न जाने कितनी बड़ी संख्या में जनता इंतजार कर रही थी और रात के टाइम वो आए तो कितना उनका सहर्ष उन्होंने स्वागत किया, और ये बात अपने आप में कितनी ज़्यादा पूरी प्रेरणादायक हुई सब भारतवासियों के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर पीओके में भी गिर गया हमारा अभिनंदन जी बंदी हो गए तो बिना शर्त रिहा कर दिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, माननीय मोदी जी ने जो काम किए उससे घबरा कर हमारे जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं, दूसरे लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि जैसे कहते हैं, एक कहावत है गांव की कि जब तूफान आता है तो तूफान में सांप और नेवला दोनों एक जाल पर बैठ जाते हैं बचने के लिए, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं मगर टुकुर टुकुर एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को नहीं कुछ कहते। वही आलम हो रहा है महागठबंधन, ये महामिलावट। साथियों, जब 2009 में, 2012 में बसपा की सरकार गई तो जो सरकार आई वो सब हाथियों की इतनी कड़ी आलोचना करते थे, कहते थे कि जो हाथी खड़े थे वो खड़े ही हैं, कभी बैठे नहीं, और जो हाथी बैठे थे वो बैठे ही हैं, कभी खड़े नहीं हुए। साथियों, आज उनको मोदी जी के डर से वो हाथी भी अच्छे लगने लगे हैं और वो बहन जी भी अच्छी लगने लगी। साथियों, 2014 में मैंने एक बहन जी का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा, अखिलेश जी के लिए कहा कि बाप से भी ज़्यादा जहरीला बेटा है। साथियों, लेकिन मोदी जी के डर से, मोदी जी की आंधी से आज वो उन्हें बबुआ भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने उसे बिल्कुल अपने पास बिठा लिया, और ये है महामिलावट और ये है महागठबंधन। तो हमारे सामने जो लोग हैं उनके पास तो ये भी नहीं है कौन प्रधानमंत्री बने। अभी एक हादसे की में ही बात हो रही थी, किसी ने कहा कि जब उनके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, कौन बनेगा। तो किसी ने कहा तो कोई बात नहीं, सोमवार को राहुल बाबा बन जाएंगे, मंगलवार को ममता दीदी बन जाएंगी, बुधवार को चंद्रबाबू नायडू बन जाएंगे, बृहस्पतिवार को अखिलेश जी बन जाएंगे, शुक्रवार को मायावती बन जाएंगी, और शनिवार को क्योंकि आधी छुट्टी होती है अरविंद केजरीवाल जी बन जाएंगे, और संडे को तो पूरी छुट्टी होती है, संडे को तो पूरी छुट्टी होती है, कोई भी पागल जाके बैठ जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे और काम करने लगेगा। तो ये है महामिलावट, ये है महागठबंधन। इनके पास तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, सबके सब दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, हम बनेंगे। साथियों, मैं अपनी बात करूंगी, मुझसे हमारे संयोजक जी ने ये कहा था कि जब तक सांसद जी के पुत्र आए तब तक आप बोलते रहना, तो मैं अब उनके पुत्र आ गए हैं, ईशान भाई आ गए हैं, तो मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले केवल एक बात कहूंगी कि हम आज सब एनजीओ वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरठ हापुर लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उनका समर्थन करने के लिए, जिससे कि उन्हें प्रचंड बहुमत से हम जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, सिर्फ दो बातें कहूँगी, एक बात तो ये है सारे विपक्षी एक हो गए, सारे विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उन्हें हराने को, एक अकेले मोदी खड़े हैं केवल देश बचाने, केवल देश बचाने।
सारे जैतन फेंकने पासे केवल उसे मिटाने को, सारे जैतन फेंकने पासे केवल उसे मिटाने को, एक अकेले मोदी खड़े हैं केवल देश बचाने को, केवल देश बचाने को। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। एक नारा जो मैं सांसद जी के साथ, राजेंद्र अग्रवाल जी के साथ लगातार चुनाव प्रचार में चल रही हूँ, और जो नारा वो देते हैं उस नारे को देना चाहूंगी क्योंकि वो रही हैं यहाँ पे। मैं कहूंगी कि मोदी लाओ जोरों से, आप कहिएगा देश बचाओ जोरों से। मोदी लाओ जोरों से, मोदी लाओ जोरों से। साथियों, बस मैं यही कह रही हूँ कि हमारा सारा ये सभागार, हम अपने प्रकोष्ठ के जो सहयोगी हैं उनसे कह रही हूँ, बता रही हूँ कि सब यहाँ से सभी लोग आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी का समर्थन कर रहे हैं और उनको प्रचंड बहुमत से जिताकर हम लोकसभा में भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।